रास्तों पे चले थे, मंजिल का पता था, रास्ता भूल गए, मंजिल को क्या पता था। चलते चलते मंजिल तो ना मिली, जिंदगी तो सफरनामा था, किसको पता था। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। दिल्ली मजनू का टीला से बस चल चुकी है बीर बिलिंग के लिए। ये मेरे कुछ मित्रगण हैं, मान भाई बगल में बैठे थे हमारे, कुंदन भाई, और भी मित्रों से हम आपको मिलाएंगे। और रात के सफ़र का यही मज़ा है कि आप सोते कहीं हो रहे हो और सुबह उठते हो वादियों में, पहाड़ों में। तो 4-5 बजे होंगे और हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं, काफ़ी अच्छा टाइम हो रहा है। हम जब दिल्ली से चले थे तो मेरे कुछ मित्रगण जो मेरे साथ चले थे भाई साहब शॉर्ट्स वगैरह में, मैंने भी मैं जैकेट वैकेट लेके तो आया था पर उतार दी थी यार। और फिर जब बस वाले भाई साहब ने एक ढाबे पे पहाड़ों के बीच में रोकी बस, तो हम उतर गए हवाबाजी में। फिर जो हवा ने हमें छुआ है वो गुदगुदी हुई है, वापस अपनी बस में जाके जैकेट लेके आए हम। तो वातावरण के अनुकूल रहे और इस बदलाव को अपनाए, बीमार ना पड़े सफ़र के दौरान। ये जो आप देख रहे हैं ये है लैंडिंग स्पॉट बीर में। ये जगह है जहाँ पे मतलब पूरा एक खुला मैदान छोड़ रखा है इन्होंने फिर मतलब। और ये मेरे मित्रगण से बात करी हैं। कोहरा ही कोहरा तो नहीं है इस समय, कोहरा तो नहीं है, बर्फ दिख रही है। ये हमारे मित्र अभिषेक मान, हेलो। और ये लक्ष्य जी, हाँ भाई, बाल उड़ रहे हैं। भाई का नाम तो अभी तक मेरे को पता नहीं है वैसे। पूरी ट्रिप में नाम पूरी ट्रिप में आ चुका हूँ। और ये हमारे बीमार आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मैं जिन्हें बीमार व्यक्ति बुला रहा हूँ, उनको थोड़ा मोशन सिकनेस थी तो उन्होंने बस में थोड़ा सा किया, पर बहुत मजाक उड़ाया हमने इनका, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। हमें लग रहा था कहीं इस मौसम में पैराग्लाइडिंग ना होती हो या कुछ और काम ना हो जाए, तो इसलिए हम पहले से ही एक बंदे से बात करके आए थे, कबीर नाम है उनका। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हमारा उनके साथ, उन्होंने फिर पायलट से बात करी रखी थी। ऊपर से जीप आई नीचे हमें लेने के लिए, तो नीचे से 14 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है हमें पहाड़ पर। जाहिर सी बात है पैदल तो जाएंगे नहीं, तो ज़िंदगी में यही होता है, गिरने के लिए भी पहले ऊपर तो जाना ही होता है। जीप आई 4x4 थी, पीछे बैठने की जगह थी, खुली हुई जीप थी और हमारी सबसे बड़ी गलती थी एडवेंचर के लिए पीछे बैठना। गलती भी कह सकते हैं, फन भी कह सकते हैं, थ्रिल एक्शन का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बैठ के पूरा आनंद लेते हुए हम ये भाई पहाड़ों में कट से निकाल रहे हैं। ये भाई लग रहा है कि पूरा शिव जी के ख्यालों में खो के चला रहे हैं। उन्होंने बूटी वगैरह ले रखी होगी क्या, मतलब आधा टायर पार के नीचे जा रहा है इनका भाई साहब। हमें मजा आ रहा है भाई, थोड़ा सा डर भी लग रहा है और लोगों को, मैं थोड़ा ही रोने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ भी नहीं बढ़ रहा और लोगों ने हाथ पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है भाई तुम लोगों ने यार, इंजॉय करो यार। और जैसे ही ये खतरनाक पहाड़ की 14 किलोमीटर की लाइट खत्म होने वाली थी, उसी टाइम मुझे पता लगा कि मेरा पेट घूम रहा है, लिटरली पेट घूम रहा है। मतलब क्रिएटिव हो जाता है माइंड जब आपको लगता है ना कि यू आर फक्ड अप, तो मोशन सिकनेस जैसी चीज़ों को भी आप पेट को घूम रहा है जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर उस दिन मुझे पता चला कर्मा इज़ अ पिच। और अगर अपनी भाषा में कहें तो जैसी करनी वैसी भरनी। बेचारा वो मेरा बीमार दोस्त, मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ उससे, मैंने आपको मजाक उड़ाया। भाई गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त चला रहा था वो बंदा यार, जो मोड़ पे घूम रही थी एक बार तो लग रहा था नीचे ही गिर जाएंगे, पर ठीक है पकड़ रखा था हमने।
खाड़ी को। हम बीर बिलिंग में वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट और अभी हम पैराग्लाइडिंग करें। तो मैंने प्लान बनाया कि भैया पैराग्लाइडिंग करते हो तब डर तो लग रहा है, आ गए हैं आप यहाँ पे, तो पहले तो मैं नहीं कूदने वाला, मैं कूदूंगा सेकंड लास्ट, सबसे सेफ। ये हमारे पायलट, मतलब मेरे बाद एक बंदा भी रहेगा और मेरे साथ मैं देख लूंगा। अभी तैयार। तो पायलट जी आए, पायलट जी ने सबसे पहले मान भैया कूदने के लिए तैयार हो गए, उनको तैयार करना शुरू कर दिया है। बुला रहे कौन बता रहे आया और ये भाई साहब ऑफ सीजन था, पायलट खाली खड़े थे, इन्होंने मेरे को बुला लिया, पहना दिया बैग। मैं सोचा अभी विमान भाई को पहले कूदाएंगे, पर बंदा पायलट मेरा वाला कुछ ज्यादा एक्साइटेड था, बोला सर कूदे, कहने सर कि बस भागते रहना भागते रहना, मतलब चलना और घुटनों के बल बता जाना, वरना दोनों भाई नीचे गिर जाएंगे पहाड़ पे, लग जाएगी चोट, मगर चोट लग जाएगी मर जाएंगे भाई। तो यार कि मतलब एक बार भागना शुरू कर दिया तो मुझे पता है भाई तेरे हाथ में जान है, वैसे भी मरना है वैसे भी मरना है, रुकूंगा क्यों भाई, कूद ही जाऊंगा ना, स्टाइल से कूदेंगे। बोलता है कह रहा भाई मरेंगे मरेंगे नहीं, मरने का चांस 1% होता है, मगर 1% तो होता है ठीक है। तो हमने भागना शुरू किया, भागे 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 भागे, ओ ये हवा में। मैं संजय मिश्रा से, रजत कपूर से एक बात कहना चाहूंगा कि आंखों देखी में आप अगर उड़ने का अनुभव कर रहे थे तो पैराग्लाइडिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, पूरा पक्षी की तरह उड़ने का अनुभव हो जाता, मरने की क्या जरूरत थी भाई क्लाइमेक्स में। इसलिए कहता हूँ एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आप समझ गए होंगे मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। और आज मुझे पता चला कि मुझे ऊंचाइयों से डर नहीं लगता, मतलब अभी लग रहा है क्योंकि अभी मैंने नीचे देखा नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैं ऊपर देखने को लग रहा हूँ, मतलब वीडियो भी चल रही बन जाए और भाई मैं डरू ही ना, इसलिए अभी तक ऊपर देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद नीचे देखूँ। और नीचे देखने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई कुछ हवा नहीं है, सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट पे बेसिक से कर रहा हूँ, कूद रहा हूँ, कूदो कितने भी ऊपर से भाई ऊपर हवा लग रही है, सेफ्टी है सब कुछ है, तो भाई चिल है। तो ये भाई अब मेरे से पूछ रहे थे, मतलब ऑडियो आवाज पता नहीं क्यों इतनी क्लियर नहीं आ रही है वीडियो में, पर ये भाई मेरे से पूछ रहे थे कि आपका फर्स्ट टाइम है, मैं कहा हाँ, तो कह रहे यार आप तो डर नहीं रहे सही है हंसते, मैं कहा यार इतना डर लग ही नहीं रहा फर्स्ट टाइम होने के बावजूद भी कुछ, मतलब इतना खास। फिर भाई ने थोड़े स्टैंड रिटर्न करने शुरू किए, जैसे कि आप देख रहे हो ये खींचा तो इधर जा रहा है, ये खींचा तो उधर जा रहा है, वो दूसरा बंदा भी दिख गया। मैं कहा भाई अब थोड़ी सी दूरी हो रही है यार, अभी तो बोल दिया नहीं लग रहा, पर ये भी सही था, ये भी मस्त एक्सपीरियंस था, खुद भी दे रही। और फिर बंदा थोड़ा घुमा फिर आके चला के ले गया, तो दूसरा बंदा था उसको दिखा रहा कि भाई देखो ये मेरा दोस्त है। मैं कहा भाई ठीक है बढ़िया है भाई, दोस्त तो है तुम्हारा, पर इतने पास मत ले जाना, जय वीरू वाली जोड़ी मत बना लेना। तो बंदा कह रहा नहीं भाई जैसे आप गाड़ी चलाते हो हम भी इस चीज़ के पायलट हैं, दूरी मेंटेन करके रखते हैं, अभी तो बिल्कुल भीड़ नहीं है वरना काफ़ी भीड़ होती है, बिल्कुल पास पास भी दिखते बंदे। अच्छा ऐसा भी होता है। तो नीचे का व्यू जैसे आप देख रहे हैं वो मैं भी देख के, मतलब भाई साहब पूरा भीड़ तो दिख ही रहा था, आसपास के इलाके भी दिख रहे थे, तो अच्छा वाला वार्तालाप करते हुए हम चले। फिर मेरे को ध्यान आया, ध्यान क्या आया, ये लोग खुद ही बात कर रहे थे कि वो जो भाई जिसने मतलब जिसके डर ने पूरा मीम क्रिएट कर दिया भाई, उस बंदा वो बंदा यहाँ भी करके जा चुका है, और उसके मतलब एक्चुअल जो वीडियो उसकी बनी थी मीम वाली वो मनाली की थी, जिसमें मतलब 4-5 मिनट में आप नीचे पहुँच जाते हो, इतनी मतलब हाइट है उसकी पैराग्लाइडिंग की। तो बंदा वहाँ पे उसकी मतलब डर लग रहा था इतना ज़्यादा उसको, ये यहाँ आया हम सब ने फोटो वोटो खिंचवाया, मैं कहा भाई सही है हीरो बना दिया तुम लोगों ने बिल्कुल उसको। कह रहा भाई पूरा, फिर यहाँ पे हमने करा, यहाँ पे बिल्कुल सही करी भाई ने, कुछ इतना डर वर लगाने में का अच्छा सारा डर खुल गया भाई। सही में हीरो बन गया वो तो भाई साहब, डिवाइन वाले गाने वाली बात हो गई, मीम एडिट करके मैंने ही मेरा मीम बना दिया।
पूरा सीन बना दिया। तो मम्मी वाले भाई कह रहे थे 100-200 ज़्यादा ले लो, लैंड करा दो, ये 100-200 ज़्यादा लेके स्टंट मरवाते हैं भाई, लैंड नहीं करवाते हैं। लैंड जल्दी करवाने के तो कम पैसे लेते हैं। तो फिर लैंड करने की बारी आई, तो लैंड करने में मज़ा आता है भाई, बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हो, डर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, हवा भी मतलब सही से लगने शुरू हो जाती है आपको एक तरीके से, अगर आप देखें तो मस्त एकदम पैर वाला व्यू होता है। और लैंड करने का यार मेरे दोस्तों ने एक अजीब सा ही डर बना दिया था मेरे बीच में, पहले ही पैराग्लाइडिंग करने से पहले कह रहे थे भाई लैंड करते हो टाइम ना संभालियो पैर, बिल्कुल मत मोड़ियो पैर, अगर मतलब थोड़ा सा मुड़ा रखियो, बिल्कुल सीधा स्टिफ वाली पोजीशन में रहा तो टकने वहाँ की जो कटोरी होती है घुटनों की, मतलब जो कटोरी होती है वो बाहर आ जाएगी। मैं कहा भाई साहब ये ख़तरनाक चीज़ है, मैंने पूछा भाई से, भाई मैं कहा लैंडिंग बता दे भाई, अभी तो डर नहीं लग रहा। भाई लैंडिंग तो आपको करनी ही, मैं कहा मेरे को नहीं करनी, मतलब मैं भी तो आया हूँ भाई। कह रहा नहीं नहीं आपको सिर्फ पैर ऊपर करने हैं, लैंडिंग में करवाऊँगा। मैं कहा पैर ऊपर करने हैं तो क्या चूटड़ों के बाद लैंडिंग करनी है मेरे को? कह रहा भाई बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो, टांग ऊपर करनी है, बिल्कुल नीचे बिठा दूंगा ले जाके आपको। मैं कहा भाई बिठा दियो। और जो भाई ने लैंडिंग करवाई है, मतलब जो मैं बैठा हूँ, मैं शब्द दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, पर जो मैं बैठा हूँ अपने दोनों बम के ऊपर, मुझे लगा कि भाई अगर पैर स्टिफ होता तो शायद कटोरी निकल जाती। सही भी कह रहे थे बंदे, मतलब एकदम प्रेशर लगता भाई इतनी ऊपर से आप कूदते हुए अगर लैंड कर रहे हो तो। मज़ा आया ओवरऑल, इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, कभी भी आपको भी करना हो तो कर सकते हो आप। फिर लैंड करते वक्त जिन्होंने गोप्रो वगैरह लगाया होता है शूट करने के लिए, वो ही फोटोग्राफर भी होते हैं नीचे, तो वो आपकी लैंड करते वक्त फ़ोटो भी खींचते हैं, तो मेरी भी खींची है कुछ फोटोज। बड़ी एक्सपीरियंस, इसके एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं भाई सब बिजनेस आजकल, तो मज़ा आया। तो वैसे हमने पैराग्लाइडिंग ख़त्म की, हम दोबारा उसी कैफे पर गए जहाँ पर हमने शुरुआत करी थी, वहाँ कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद हमने वहाँ पे कैब करी, क्योंकि हमें अब जाना था मैक्लोडगंज, क्योंकि मैक्लोडगंज से हमको करनी थी ट्रैक शुरू अगले दिन त्रियुंद स्नो लाइन के लिए। धर्मकूट में हमारा रूम था, हॉस्टल था, तो वहाँ हमको जाना था, तो हमने वहाँ से कैब करी और मस्त रास्तों के बीच से पालमपुर मंडी हिमाचल प्रदेश का पूरा आनंद लेते हुए, चाय के बागान देखते हुए, धर्मशाला, वैजनाथ वाला मंदिर, शिव मंदिर, एक माता का मंदिर, मतलब देव की भूमि ऐसे ही नहीं कहते हिमाचल प्रदेश को, मंदिर ही मंदिर देखते। और फिर धर्मशाला वाला जो अपना स्टेडियम है वो उसको देखते हुए हम पहुंच गए मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज से अपर धर्मकोट के बिल्कुल थोड़ा सा पास। फिर वहाँ पे भाई साहब गाड़ी चढ़ने बंद हो गए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, यहाँ के ड्राइवर कैसे चलाते हैं मेरे को नहीं पता, तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। वहाँ क्या वाले ने कहा कि यहाँ से आप चले जाना, हमें भी लगा चलो गूगल मैप खोल के देखा हमने तो उसमें कुछ 400 मीटर दिखा रहा था, हमें लगा चलो पैदल चल लेंगे, 400 मीटर में क्या है, हमको नहीं पता था ये पहाड़ है भाई। और गूगल मैप और एक बंदा सही चलो फिर भी बता देगा, चार चार बंदे गूगल मैप में देखेंगे तो पंगा तो होना ही था। हो गया भाई, कभी इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, कभी उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ये थोड़ा मतलब रेजिडेंशियल एरिया लग रहा था मेरे को, तो बंदे वैसे ही मंदिर वंदिर दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, कैसे घूमे जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भाई साहब एक बंदे से पूछा, उसने कहा भाई ऐसे ही ऊपर है, तो ऐसे ही चढ़ते चढ़ते चले गए। बेसिकली हमारा हॉस्टल वहाँ है और हम ऊपर से पूरा घूम के आ रहे हैं, चूतियों का वहाँ जाएंगे। लॉल किससे बात कर रहे हैं? अपने आप से, बाद में लोगों को भेजूंगा ना। हाँ हाँ, हम कह रहे भाई हो गई हमारी ट्रैक, तो यहीं पे कर ली सारी ट्रैक आज ही, कल तो क्या ही करेंगे, सारी ट्रैक आज ही हो गई। पहाड़ के ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, गधा मिल रहा है, गधे को देख रहे हैं, सोच रहे ये गधा है कि बोला ऐसे ही चल रहा है, कोई कह रहा है इधर से चलो, कोई कह रहा है उधर से चलो, भाई सब ये हॉस्टल मिल के नहीं दे रहा, रूम ही मिल के नहीं दे रहा इसको। तो ऐसे हम यहाँ हो गए अब गुम, ठीक है, और मैं यहीं आपकी स्टोरी को छोड़ता हूँ। अब अगली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आप डे 2 से बताते हैं कि क्या हुआ। तब तक के लिए शुक्रिया।
टू बी कंटिन्यूड। धन्यवाद। और घंटे मनोरंजन के लिए दवाई घंटे।